यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अपने एग्जाम के लिए रिवीजन वीडियो का सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई थी, उसके अंदर अभी हम लोग जो है वो बैंकिंग यूनिट को चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 जो है हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, तो उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है वो बात आती है हमारे नेक्स्ट यूनिट का, तो हमने नेक्स्ट यूनिट कौन सी कवर करनी है, तो थोड़ी सी जो थोड़ी टिपिकल यूनिट है उसको हम पहले कवर करेंगे, वो है यूनिट नंबर 5। जो अपना यूनिट नंबर 5 है, ये बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया था बिजनेस स्टैट एंड रिसर्च मेथड का, इस यूनिट को अब हम लोग जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। टोटल मिला के इसके अंदर जो अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको हमने 16 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड किया था। ये 16 चैप्टर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। कितने वीडियो के अंदर? 2 वीडियो में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 रिवीजन वीडियो आपके पास में जो है वो आएंगी, और मेन जो इसके चैप्टर, जैसे अब चैप्टर नंबर 1 है, बिल्कुल बेसिक्स है, वो मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, वो आप अपना सेल्फी कर लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा जो मेन चैप्टर्स है, लाइक आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, जहां से शोर शोर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन हो गया, ठीक है, स्क्यूनेस कर्टसिस हो गया, ये आपका कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सैंपलिंग हो गया, ठीक है, जो बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, पैरामीट्रिक टेस्ट हो गया, नॉन पैरामीट्रिक हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जो है वो कैसे करेंगे, 2 लेक्चर हम लगाएंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो मेन चैप्टर स्टेट्स के, जिसके अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अलावा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 आपको मैंने करवा दिया था, कोरिलेशन का जो रिवीजन वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसका मैं वीडियो अपने टेलीग्राम पे डाल भी दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप अपने यूट्यूब पे जो अपना चैनल है इसको ओपन करके इसके वीडियोस के सेक्शन में जाना, वहां पे आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले, दो हफ्ते पहले मैंने वो डाला भी था, ओके। तो और एक हम करेंगे इसमें रिग्रेशन एनालिसिस, एक हम जो है वो इसके अंदर करेंगे आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर टोटल मिला के 5 लेक्चर, 5 चैप्टर बेसिकली हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 5 चैप्टर मेन से जो है वो हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो चैप्टर है मेन चैप्टर वो हम अगले वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पूरा का पूरा सैंपलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सैंपलिंग हो गया, लार्ज सैंपल टेस्ट हो गया, और आपका स्मॉल सैंपल टेस्ट हो गया, काइस्के टेस्ट हो गया, और जो नॉन पैरामीट्रिक है वो, और रिपोर्ट राइटिंग, ये वाला टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर के ऊपर हम लगाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, ओके जी। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोगों ने पहले जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी हम बिजनेस स्टेट के अंदर स्टैटिस्टिकल वर्क को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, ओके। तो डेटा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट। अच्छा, ये टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ये जो रिवीजन वीडियो हम कर रहे हैं, ये रिवीजन वीडियो फास्ट ट्रैक पे है, ठीक है ना। अब एक चैप्टर के ऊपर हमने 4-4 लेक्चर लगाए हुए हैं, ठीक है, डिटेल के अंदर सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो अब जो चल रहा है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चलेगा, आप समझ रहे हो। मतलब जो 20 लेक्चर में जो काम, मतलब 5 चैप्टर के ऊपर लगभग मान लो हमने 20 लेक्चर लगाए, तो 20 लेक्चर का काम जो है वो एक वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, समझ रहे हो। तो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चलेगा, जो हमारे स्टूडेंट है ऑलरेडी जिन्होंने मुझसे बैच लिया हुआ है, उनको तो कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत, जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ समस्या आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन वीडियो तो भाई फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा, ओके। सिलेबस बहुत वाइड है, तो अगर मैं हर एक इसको दोबारा डिटेल में कराऊंगा तो कोई औचित्य नहीं रहेगा रिवीजन वीडियोस का, ठीक है ना। तो आप लोग, अगर आपको परेशानी आती है तो आप वीडियो रोक के, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज जो है, उनको आप जो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। चलो, अच्छा, हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 को, सेंट्रल टेंडेंसी को, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब कभी भी बिजनेस स्टेट्स के अंदर हम लोगों को कोई भी स्टेटिस्टिकल वर्क करना होता है, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, डेटा। अब डेटा कलेक्ट करने के कई सारे मेथड अवेलेबल थे, डेटा कलेक्शन करने के बाद फिर बाद में हम लोग जो डेटा को क्या करते हैं, सुटेबल फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, उसके लिए डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। जब सुटेबल फॉर्म में आप डेटा को ले आए, देन उसके बाद में डेटा आपके पास में आ गया, आप उससे जो है वो आप इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। चाहे आपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया, चाहे आपने डेटा को टेबलेट कर दिया, फिर भी उसके बेस पर डिसीजन लेना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक अपने को एक ऐसा सिंगल वैल्यू मिल जाए, एक सिंगल फिगर अपने को मिल जाए, जो एंटायर डेटा को जो है वो क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। तो उसके लिए यहां पे जो है वो पिक्चर के अंदर आता है क्या, एवरेज। एवरेज को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम ये देखते हैं कि एक एवरेज मिल जाए या एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाए, उस सेंट्रल वैल्यू के बेस पर हम लोग जो है पूरे डेटा के बारे में डिसीजन ले पाए, ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करते हैं, तो यहां पर टोटल मिला के जो है वो कितने मेजर आपके पास में, 5। एक है अर्थमेटिक मीन, एक है मीडियन, फिर आएगा मोड, फिर आएगा ज्योमेट्रिक मीन, और फिर आएगा कौन सा, हार्मोनिक मीन, ओके।
तो जो वेरियस मेजर है सेंट्रल करेंसी के, वो अपने को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो एंटायर डेटा को जो है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक है, सबसे पहले जो है एवरेज जो है या सेंट्रल करेंसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एवरेज जो है वो एक सिंगल फिगर होगी जो पूरे ग्रुप को जो है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एवरेज। ठीक है, पर्पस या फंक्शन क्या एवरेज का, सबसे पहला एवरेज जो है वो पूरे डेटा को ब्रीफली डिस्क्राइब करती है, ओके, कंपैरिजन में हेल्पफुल होती है, ओके। एवरेज के बेस पर आप लोग पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं, यस। एवरेज बेस है किसका, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, यस। एवरेज रिप्रेजेंट करती है पूरे के पूरी यूनिवर्स को, एंटायर डेटा को जो वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एक अच्छा जो एवरेज होता है, एक गुड एवरेज, उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, सबसे पहला इजी टू अंडरस्टैंड एवरेज ऐसा हो, मतलब चाहे आप मेन को लेके मेन के बेस पर एवरेज निकाल लो, चाहे कोई भी आप स्टैटिस्टिकल मेजर लगा के आप एवरेज निकालते हो अगर, तो उस एवरेज में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या क्या है क्वालिटी, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत ईजी हो। दूसरा सिंपल टू कंप्यूट हो। तीसरा बेस्ड ऑन ऑल द आइटम, मतलब ऑब्जर्वेशन के अंदर जितने भी आइटम है उन सबके ऊपर जो वो बेस्ड होना चाहिए। दूसरा जो भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बहुत ही एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यू या एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू, तो उनसे जो है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आगे रिजिडली डिफाइन हो, आगे कैपेबल हो, जो भी आप एवरेज निकालोगे वो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए जो कैपेबल भी होना चाहिए। आगे एंड सैंपलिंग स्टेबिलिटी, जो भी आप एवरेज निकालोगे तो उसके अंदर सैंपलिंग स्टेबिलिटी का फीचर जो है वो विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ एवरेज के नाम पे हमारे पास में कितने हैं, पांच है। सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत करेंगे किससे, अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन जो है वो पॉपुलर और वाइडली यूज मेजर है, मतलब सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है कौन सा, अर्थमेटिक मीन, जो रिप्रेजेंट करता है एंटायर डेटा को, ठीक है ना, बाय वन वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, एवरेज। मीन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल का वैल्यू तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो है मीन की वो क्या है, सबसे पहला बोलते जो सम ऑफ डेविएशन निकालते हैं, मीन से जो सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे उसका जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब एक्स माइनस एक्स बार करके जो लास्ट में जो आपका सम आएगा, जब आप एक्स माइनस एक्स बार करोगे किससे, एक्चुअल मीन से, तो उसका जो डेविएशन का जो सम आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सम ऑफ द स्केयर डेविएशन, जो भी आपने डेविएशन निकाला एक्स माइनस एक्स बार करके आपने डेविएशन निकाल लिया, जब आप डेविएशन को क्या करोगे, स्केयर करोगे, तो उसका जो सम आएगा, ठीक है, वो बाकी किसी वैल्यू से आप डेविएशन निकाल के अगर स्केयरिंग करोगे तो उससे हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है जी, मेरिट या डिमेरिट की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन की मेरिट सबसे पहला सबसे सिंपल एवरेज है निकालना, ओके। इसके जब आप मीन निकालते हो तो सभी की सभी वैल्यू को आप कंसीडर करते हो, यस। ये रिजिड मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर जो है वो क्या बेस्ड है, इसके बेस पर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ओके। रिलेटिवली रिलायबल है इन द सेंस दैट इट डज नॉट वेरी मच रिपीटेड सैंपल, ठीक है, उनके बेस पर जो है बारी बारी जो है वेरी या चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, द मीन जो है वो टिपिकली इन द सेंस दैट इट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बात ध्यान रखना, मीन जो है वो क्या, इट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या करता है, बैलेंस करता है वैल्यूज को ऑन ईदर ऑफ द साइड। ठीक है जी, इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, मीन जो है वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, एंड ये जो है वो पोजीशन के ऊपर बेस नहीं है, तो मीन जो है पोजिशनल एवरेज नहीं, मीडियन और मोड ये दोनों पोजिशनल एवरेज होते हैं, बट मीन आपका पोजिशनल एवरेज नहीं है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन, सबसे पहला जो मीन है, जो मीन वैल्यू आप निकालोगे वो एक्सट्रीम वैल्यू से जो है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है, क्योंकि मीन सभी आइटम के ऊपर बेस होता है, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू है वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज वैल्यू वो भी आप कंसिडर करते हो मीन निकालते हुए, तो मीन जो उनसे क्या होता है, अफेक्टेड होता है। दूसरा अर्थमेटिक मीन जो है इज नॉट ऑलवेज अ गुड करेक्टर गुड मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, द मीन प्रोवाइड ए करेक्टरिस्टिक वैल्यू, मीन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी जो वैल्यूज है वो उसके आसपास ही लाई करती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब एक होता है, ये तो आपका नॉर्मल अर्थमेटिक मीन हो गया, एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। कई बार क्या होता है, जो कुछ रीसेंट आइटम्स है हम उनको जो है तवज्जो अपने को ज्यादा देना होता है। अब मीन में तो क्या सभी आइटम को इक्वल आपने जो है वो क्या दिया, वेटेज दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि रीसेंट के आइटम को ज्यादा वेटेज देना होता है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो कंप्यूट करते हैं वेटेड एवरेज मीन को। तो वेटेड एवरेज मीन या वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स बार वेट इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में समीशन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा कि आप लोग जो है वो वेटेड अर्थमेटिक मीन लोगे और अपॉन में जो है वो क्या करोगे, आपका वेट से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे, वो आपका जो है वो निकल के आएगा क्या, वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का वो होता है क्या, मीडियन। मीडियन जो है वो पहली बात तो क्या है, पोजिशनल। मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो मीडियन जो है वो क्या, मिड वैल्यू है। ठीक है, इट अपियर इन द मिडल, तो मीडियन जो है वो क्या, मिडल के अंदर अपियर होगा। जब कभी भी आपके पास कोई भी सीरीज होगी तो सबसे पहले आप उसको जो है वो क्या करोगे, अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जो मिड वैल्यू आप निकालोगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडियन। अब वो जो मिडल वैल्यू है वो कैसे निकलती है, मीडियन का जो फॉर्मूला रहेगा
वो क्या होता है एन प्लस वन बाय टू ऑब्जर्वेशन, कैसे एन प्लस वन बाय टू, ठीक है जी। अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखना, बोलता सम ऑफ द डेविएशन जो निकालोगे मीडियन से, ठीक है, अगर साइन को इग्नोर कर देंगे तो वो सबसे क्या आएगी, लीस्ट आएगी, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा मीडियन जो है वो क्या होती है, मीडियन इज जस्ट द 50th परसेंटाइल, मीडियन जो है वो क्या 50th परसेंटाइल वैल्यू है, जिसके नीचे भी 50% एरिया और जिसके ऊपर भी 50% एरिया जो है वो क्या लाई करता है। तो ये क्या करता है, पूरी ऑब्जर्वेशन को दो हिस्सों के अंदर, जो दो इक्वल पार्ट के अंदर जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। फायदा क्या क्या है, मीडियन को हम लोग जो है वो ओपन एंडेड क्लासेस के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। दूसरा, मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। तीसरा, इन मार्कलेस क्यू डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से डिस्टॉर्ट हो सकता है, मीडियन जो है वहां पे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो यूजफुल रहता है, ठीक है ना। तो जो भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड हो, तो वहां पर जनरली हम लोग जो मीडियन का सहारा लेते हैं। आगे, इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज है इन डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डेटा। तो जहां पे अगर आपको रैंकिंग रूम की अगर निकालना है, ठीक है, रैंक के बेस पर अगर आपको डेटा दे रखा है, तो वहां पे अगर आपको कोई भी जो है वो कोई रिलेशन मेंटेन करना है तो आप मीडियन के बेस पर कर सकते हो। वैल्यू जो है मीडियन की, उसको हम ग्राफिकली जो है वो ग्राफिकली भी उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब लिमिटेशन सबसे बड़ी जो है वो क्या है, जैसे मीन अगर आपको निकालना है तो उस मीन के लिए आप जो है वो डेटा को अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मीडियन अगर निकालना है तो उसके लिए आपको डेटा को जो है वो क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है, इसकी वैल्यू जो है वो हर ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप निकाल नहीं सकते हो। आगे, मीडियन के बेस पर जो है वो आप फर्दर कोई भी एलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। आगे, वैल्यू जो है वो मीडियन की अफेक्टेड मोर बाय द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से सबसे ज्यादा ये क्या रहेगी, प्रभावित रहेगी, ठीक है। और मीडियन जो है वो इरेटिक है इन द नंबर ऑफ आइटम, अगर नंबर ऑफ आइटम स्मॉल है तो मीडियन जो वैल्यू निकलेगी वो बहुत ही क्या होगी, इरेटिक नंबर का होगा, इरेटिक नेचर का होगा, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, साइज ऑफ द एन प्लस वन बाय टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। इसके अलावा रिलेटेड पोजिशनल मेजर के अंदर जो है वो मीडियन के अलावा हम लोग जो है वो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इनको भी लेकर चलते हैं। तो क्वार्टाइल की अगर बात करते हैं तो क्वार्टाइल जो है वो क्या करता है, एंटायर सीरीज को चार पार्ट में जो है वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसके अंदर क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री, तीन जो है वो क्वार्टाइल होते हैं। क्यू वन को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, क्यू थ्री को बोलते हैं हम लोग क्या, अपर क्वार्टाइल, और क्यू टू को बोलते हैं हम लोग क्या, मिडन क्वार्टाइल, ठीक है। उसके बाद है डिसाइल, डिसाइल जो है वो क्या करता है, एंटायर सीरीज को टेन इक्वल पार्ट में जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिसाइल टोटल मिला के कितने होंगे, नो होंगे, वो नो पॉइंट है जो पूरी एंटायर सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर परसेंटाइल, परसेंटाइल जो है वो डिवाइड करता है पूरी सीरीज को कितने, 100 इक्वल पार्ट में। परसेंटाइल जो है इसके ये कितने होंगे, 99 परसेंटाइल होंगे, जिसको डिनोट किया जाएगा P1 से लेकर P99 तक, ठीक है जी। कैलकुलेशन जो होता है क्वार्टाइल का, डिसाइल का, परसेंटाइल का, वो उसी मैनर में होगा जिस तरीके से हम लोग जो क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, इस तरीके से इसको कंप्यूट करते हैं। इसके बाद था मोड, मोड जो है वो क्या होता है, मॉडल वैल्यू होती है। एक सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा जो आइटम जो है बारी बारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, मोड। तो मोड जो है ये भी क्या है, पोजिशनल एवरेज है। मोड को डिफाइन करते हैं, इट इज अ वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए सीरीज, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडल वैल्यू, ठीक है। ग्राफिकली अगर हम देखें तो मोड जो है वो कहां पे होगा, ओएक्स एक्सिस में, जहां पे जो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व बिल्कुल पीक पे होगा ना, उसके जस्ट नीचे जो है वो क्या होगी, मॉडल वैल्यू होगा, ठीक है जी। कैलकुलेट कैसे करते हैं मोड को, तो मोड को निकालने के लिए हम लोग जो है वो इंस्पेक्शन मेथड को बेसिकली यूज करते हैं। जो भी आपको सीरीज देखा उसमें आप ये देखो सबसे ज्यादा बार जो है कौन सी आइटम रिपीट हो रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो जनरली इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, दो मेथड है, इनके थ्रू हम लोग जो है वो मोड निकालने का काम करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर मोड जो है वो इल डिफाइन है, अगर मोड प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, तो मोड की वैल्यू जो है वो आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला जो है वो क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है। इसके बाद जो है मेरिट क्या है मोड के, सबसे पहला तो यह है कि बाय डेफिनेशन मोड जो है मोस्ट टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन का, हेंस व्हेन वी टॉक अ मॉडल वेज, तो ये जो है सबसे पहले मतलब यही चीज जो इंडिकेट करता है। दूसरा, जैसे मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, मोड भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। फिर मोड जो है उसको आप यूज कर सकते हो किसके लिए, जब आपके पास में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो क्वालिटेटिव फिनोमेना के अंदर आप मोड को जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू जो है वो मोड की, उसको ग्राफिकली भी आप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, वैल्यू जो है मोड की, इट कैन नॉट ऑलवेज बी डिटरमाइन, हमेशा आप इसको नहीं निकाल सकते। कई बार जो है वो दो या दो से ज्यादा वैल्यू जो है वो लगातार एक सेम जो है वो रिपीट हो रही है, तो बाय मॉडल हो जाएगा, तो वो सिंगल वैल्यू आप कभी भी निकाल नहीं पाओगे। आगे, फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो आप मोड के बेस पर नहीं कर सकते हो। आगे, वैल्यू जो है वो मोड की इज नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज, और मोड जो है वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है, मतलब उसके बेस पर फर्दर कोई अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है।
यूजफुल जो है वो कहां पे है मोड, तो बोलता है मोड इज एम्प्लॉय व्हेन द मोस्ट टिपिकल वैल्यू जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या डिजायर्ड है, तो वहां पे आप इसको जो है वो लगा सकते हो। इट इज द मोस्ट मीनिंगफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इन द हाईली स्क्यूड और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे आप मोड का जो है वो सहारा लेते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है अमंग द मीन मीडियन एंड द मोड, तो ये एक बार देख लेना। ये फॉर्मूला है मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मीन माइनस में मोड। ठीक है, अच्छा अगर नेगेटिवली स्क्यूड आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेगेटिव स्क्यूड, तो वहां पे जो है वो मीन इज लेस देन मोड होता है और मीडियन इन दोनों के बीच में लाइक करेगा। और पॉजिटिव जो स्क्यूड होता है तो वहां पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो तीनों वैल्यू जो है वो क्या होती है, कोइंसाइड होती है। ठीक है, इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं बेसिकली कंपाउंड एनुअल रेट निकालने में। ठीक है, बिजनेस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर वेरी ऑफन वी आर फेस विद द क्वेश्चन रेट टू द परसेंटेज रेट ऑफ चेंज। जब कभी भी परसेंटेज जो चेंज आ जाए, ठीक है, कि बताइए वक्त के हिसाब से जो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो वहां पर बेसिकली हम लोग ज्योमेट्रिक मीन जो है लगाने का काम करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन एक मैथमेटिकल एवरेज है। ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन करते हैं, इट इज एनथ रूट। ये क्या होता है, एनथ रूट होता है किसका, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इफ देयर आर टू आइटम इन द सीरीज, अगर जो है वो टोटल मिला के दो आइटम है सीरीज के अंदर, तो हम जो है वो क्या लेंगे, उन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इफ देयर थ्री आइटम है तो उनका क्यूब रूट ले लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इस तरीके से कंप्यूट होता है। ठीक है, इसको इस एंटीलॉग के माध्यम से भी जो है इसको आप कंप्यूट कर सकते हो। यूज किया ज्योमेट्रिक मीन का, सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने में हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं। या ज्योमेट्रिक मीन इज थ्योरेटिकली कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो जब कभी भी इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो वहां पर हम ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी एक बार देख लेना। इसके बाद मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था जो ज्योमेट्रिक मीन की मेरिट में सबसे पहले रिजिडली डिफाइन होता है, सभी आइटम के ऊपर बेस होता है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी इसके बेस पर किया जा सकता है। इसमें लेस वेट जो है वो देंगे किसको, टू द लार्ज आइटम को। इट पोजेस द मेरिट ऑफ द सैंपलिंग स्टेबिलिटी, इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज, जब चेंज निकालो तो उसका सबसे बेस्ट मेजर है, और ये लीस्ट अफेक्टेड होता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। डिमेरिट ये है, इसको निकाल कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, हर केस में जो है ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट नहीं हो सकता। तीसरा, इट में बी वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज। कई बार ऐसा भी होता है कि ज्योमेट्रिक वैल्यू, जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो वो एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगा तो सीरीज में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। और जो वैल्यू होती है ऑफ द वन आइटम इज जीरो, द ज्योमेट्रिक मीन विल ऑल्सो बिकम जीरो। अगेन अगर एक आइटम जो है वो नेगेटिव वैल्यू, तो ज्योमेट्रिक मीन जो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट निकल के आएगा। तो ये एक समस्या होती है इसकी। इसके बाद एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की अगर बात करें तो इसको हम जनरली यूज कहां पे करते हैं, तो बोलते हैं इट इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट या एवरेज स्पीड एट विच अ जर्नी हैज बीन परफॉर्म और द एवरेज प्राइस एट विच एन आर्टिकल हैज बीन सोल्ड। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं किसको, हार्मोनिक मीन को। ये थोड़ा देख लेना एक बार। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा देख लेना। हार्मोनिक मीन का एक बात हमेशा याद रखना, फॉर एनी टू और मोर वैल्यू विच आर इक्वल और नॉट इक्वल वैल्यू, तो वहां पे जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे हाईएस्ट रहेगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, हार्मोनिक मीन के। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मेरिट वही रिजिडली डिफाइंड है, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। इन द प्रॉब्लम इट टू टाइम एंड डेट इट गिव्स अ बेटर रिजल्ट देन द अदर एवरेज। ये कुछ डीमेरिट है, इसको निकालना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। इसमें स्मॉल आइटम्स को जो है वो ज्यादा वेट दिया जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते, बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आइटम अगर सीरीज के अंदर दे रखी हो। फॉर्मुला इसका ये रहेगा, हार्मोनिक मीन का इज इक्वल टू एन अपॉन में वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू अप टू वन अपॉन एक्स एन। ठीक है, ये था, ये इसके फॉर्मुलाज है, कुछ एक बार देख लेना। ठीक है, ये चैप्टर नंबर टू हो गया। अब आइए आप चैप्टर नंबर थर्ड पे। ये हमारा चैप्टर नंबर थर्ड था जिसका नाम था मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा कि हमने अभी तक जो है वो मीन मतलब एक एवरेज वैल्यू निकाल लिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सीरीज थी। ओके, और तीनों की जो है वो एवरेज वैल्यू तो सेम निकल गई, लेकिन क्या उनके अंदर डिफरेंस हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। तो ये हमने देखा था, और अगर वो एक दूसरे से डिफर करते हैं तो अपने को यहां पे कंप्यूट करना पड़ेगा किसको, वेरिएशन को। वेरिएशन को बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला तो ये कि एक सीरीज के अंदर आने वाली आइटम एक दूसरे से कितनी अलग है वो हम देखते हैं डिस्पर्जन में, और दूसरा एक सीरीज के अंदर आने वाली जो आइटम है उनका जो हम एवरेज निकालते हैं, हर आइटम एवरेज से कितनी वेरी कर रही है, इन दोनों चीजों को कंप्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में हम डिस्पर्जन दो तरीके से करेंगे। पहला, एक सीरीज में आपस में जो आइटम है वो
सेम है या वो वेरी कर रही है, इसको हम कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्पर्सन। और दूसरा, एक पर्टिकुलर सीरीज में आइटम जो है वो एवरेज से कितनी वेरी कर रही है, इन दोनों सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो निकालते हैं किसको, हम लोग जो यूज करते हैं किसको, डिस्पर्सन को। ठीक है, तो डिस्पर्सन बेसिकली जो है वो क्या है, डिस्पर्सन मेजर है किसका, वेरिएशन का। तो जो वेरिएशन है, अगर वेरिएशन निकालना है तो वेरिएशन निकालने के लिए जो मैथमेटिकल टूल आप लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्पर्सन। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्पर्सन निकालने के, ऑब्जेक्टिव क्या क्या, सबसे पहला डिस्पर्सन के माध्यम से हम डिटरमाइन करते हैं रिलायबिलिटी, एक एवरेज जो वो कितना रिलायबल है वो पता चलेगा डिस्पर्सन से। जितना डिस्पर्सन कम होगा, जितना वेरिएशन कम होगा, उतना ही एवरेज जो है वो क्या आएगा, मतलब एवरेज की जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ेगी। दूसरा, डिस्पर्सन के माध्यम से हम कंपेयर करते हैं वेरिएशन इन टू और मोर सीरीज में, ये फैसिलिट करता है यूज ऑफ द अदर स्टैटिस्टिकल मेजर। डिस्पर्सन के बेस पर आप अदर स्टैटिस्टिकल मेजर को भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक कोरिलेशन रिग्रेशन, ये भी कर सकते हैं। डिस्पर्सन बेस है किसका, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का। प्रॉपर्टी के गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अब डिस्पर्सन निकालने के लिए कई सारे मेथड आपके पास अवेलेबल है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अलावा सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस, लोरेंज कर्व, कई सारे मेथड आपके पास में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर मेथड में ये कुछ क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। तो डिस्पर्सन निकालने के कई सारे मेथड है, कौन सा मेथड बेस्ट है, बेस्ट मेथड वो जिसके अंदर ये क्वालिटी है। सबसे पहला क्या, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा, सिंपल होना चाहिए कैलकुलेट करने में। तीसरा, यूनिकली डिफाइन होना चाहिए। चौथा, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। पांचवा, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। छठा, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अब यहां पे जो है, जब भी आप डिस्पर्सन को मेजर करोगे तो वो दो तरह की जो है वैल्यू निकल के आएगा, दो तरीके के जो है वो मेजर होते हैं आपके पास में, एक है एब्सोल्यूट मेजर और एक है आपका रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर वो है जिसके अंदर जो है डिस्पर्सन को एक्सप्रेस करेंगे इन द सेम यूनिट में, जिस यूनिट में डेटा अवेलेबल है उसी पैटर्न में अगर आप जो डिस्पर्सन निकाल रहे हो तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। और एक होगा कौन सा, रिलेटिव मेजर, जिसके अंदर आप जो डिस्पर्सन निकालोगे रेशियो या परसेंटेज के अंदर निकालते हो। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन के अंदर पोजिशनल, कुछ पोजिशनल मेथड है जिसके अंदर आप जो है वो मेजर को डिस्पर्सन को, रेंज हो गया, इंटरक्वार्टाइल, कुछ मैथमेटिकल है और कुछ आपका ग्राफिकल मेथड है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है रेंज, रेंज में हमने पढ़ा था रेंज का फॉर्मूला, रेंज सबसे सिंपल मेथड था डिस्पर्सन निकालने का, फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एस, एल का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और एस का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये तो था आपका एब्सोल्यूट मेजर, और अगर रिलेटिव मेजर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस, ये निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है जी, इसके बाद में फायदा, मेरिट और डीमेरिट एक बार थोड़ा सा देख लेना। यूजेस क्या है, रेंज को हम बेसिकली यूज कहां करते हैं, जब अपने को क्वालिटी कंट्रोल करना होता है ना, तो वहां पे हम बेसिकली रेंज मेथड को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके अंदर एक रेंज आ जाएगा, अगर रेंज के अंदर ही क्वालिटी आ रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को करेक्टिव मेजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वालिटी रेंज से बियॉन्ड जाती है तो फिर अपने को वहां पे जो है वो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। दूसरा, रेंज को यूज करते हैं फ्लक्चुएशन निकालने में शेयर प्राइस में, और रेंज को यूज करते हैं क्या करने में, वेदर फोरकास्टिंग करने में। इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन। इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, ये बेसिकली 50% मिडल का 50% एरिया को जो है वो क्या करता है, कवर करता है। जैसे पूरा ये सीरीज है, इसमें पहला ये तीन आपको मालूम है कि तीन जो है वो क्या होते हैं, क्वार्टाइल होते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 इज द लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 2 इज द मिडल, और क्वार्टाइल 3 जो है वो क्या होता है आपका अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अब यहां पे जो इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होती है ना, वो कैसे निकालते हो, Q3 माइनस Q1 करके। तो इसका मतलब ये बीच का 50% एरिया को जो है वो क्या करता है, कंसीडर करता है। ठीक है ना, तो क्वार्टाइल डेविएशन, इसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। और क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। जब आप जो है वो इसका मीन कर दोगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो ये निकलेगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आपको एवरेज अमाउंट देगा बाय विच द टू क्वार्टाइल डिफर करते हैं किससे, मीडियन से। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो क्वार्टाइल जो है वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं किससे, मीडियन से। इसका मतलब Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू Q1, मीडियन माइनस में Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस में मीडियन, इन ये दोनों जो है वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्या रहेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। इसके बाद इसके कुछ मेरिट डिमेरिट एक बार देख लेना। तीसरा जो मेजर है डेविएशन निकालने का, वो है आपका कौन सा, मीन डेविएशन, या इसको जो है वो एवरेज डेविएशन भी बोला जाता है। जब कभी भी आप मीन डेविएशन निकालते हो तो यहां पे आप प्लस माइनस साइन को जो है वो क्या करते हो, कंसीडर नहीं करोगे, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आप मीन डेविएशन जब निकालोगे, इसको मीन डेविएशन निकालने के या आपका एवरेज डेविएशन निकालने के दो मेथड है। आप मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन मीन से भी निकाल सकते हो और मीडियन से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, मीन डेविएशन अगर आप मीन से निकालते हो तो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन, और अगर मीडियन से निकालते हो तो एक्स माइनस एम, एम मतलब मिड वैल्यू अपॉन में एन। ठीक है, ये तो था एब्सोल्यूट मेजर, और अगर रिलेटिव मेजर निकालना हो तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन अगर आप निकालते हो,
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल रहा है किससे, मीन से, ठीक है। तो जो भी आपका मीन डेविएशन निकल के आया उसको डिवाइड कर दो मीन से, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर निकालना है मीडियन से तो जो भी आपका मीन डेविएशन निकल के आया था उसको डिवाइड कर दो किससे, मीडियन से। इसके बाद अगला जो मेजर आता है वो है कौन सा, ये मेरे डिमेरिट टेबल देख लेना। अगला मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेजर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से निकलेगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये मेजर करता है हाउ मच स्प्रेड और वेरिएबिलिटी इज प्रेजेंट इन द सैंपल। एक सैंपल के अंदर जो है वो कितना स्प्रेडनेस है वो क्या अवेलेबल है, ये बताएगा कौन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो कार्ल पियर्सन ने यूज किया था 1893 के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या, ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन होता है, ठीक है। फॉर्मूला जो रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वो क्या रहेगा, सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में n, इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। इफ ऑल द नंबर इन द सैंपल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर सैंपल के अंदर आने वाले जो भी नंबर है अगर वो सारे एक दूसरे से क्या है, क्लोज है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोज टू 0 होगा। और अगर इफ ऑल द नंबर इन द सैंपल आर वेरी डिस्पर्स होते हैं तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो इस तरीके से निकलता है, आपको मैंने बता दिया x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में n, इस पूरे का अंडर रूट। और इसका अगर कोफिशिएंट निकालना हो, ठीक है, मतलब रिलेटिव मेजर निकालना हो, तो फॉर्मुला जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन कर देना, ये निकल जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन डेविएशन में और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है, इसे पहले वाला जो मेथड पढ़ा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों में क्या फर्क था, तो हमने पढ़ा था जो जब मीन डेविएशन को कंप्यूट करते हैं तो एवरेज साइन, जो आपके एल्जेब्रिक साइन है प्लस और माइनस, इनको वहां पे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट यहां पे हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। दूसरा, मीन डेविएशन को कंप्यूट करते हैं इधर फॉर मीन मीडियन मोड से, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ओनली एंड ओनली निकालेंगे किससे, मीन से निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना एक बार। इसके बाद में अगला जो आएगा वो है वेरियंस। वेरियंस जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरियंस अनदर मेजर डिस्पर्सन निकालने का, ठीक है। वेरियंस जो है वो स्क्वायर है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसके बाद में फिर आएगा जी प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की। पहला बोलता स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा ना फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, वो उसको आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 12 इनटू एन स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन द टू और मोर ग्रुप का, वो कैसे निकलेगा, वो उसका ये फॉर्मूला होता है। आगे जो सम ऑफ द स्क्वायर होगा ना डेविएशन का ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, वो सबसे क्या आएगा, लीस्ट आएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को हम हमेशा अरिथमेटिक मीन से जो है वो कंप्यूट करते हैं। आगे इफ ए कांस्टेंट अमाउंट, अगर एक कांस्टेंट अमाउंट को जो है वो हम क्या करते हैं, ऐड या लेस करते हैं सीरीज में से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से। लेकिन अगर किसी एक कांस्टेंट अमाउंट को जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे पूरी सीरीज में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता फ्रॉम द चेंज ऑफ स्केल से। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन जो है अरिथमेटिक मीन से वो ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या, अगर आप मीन में प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हो तो वो 68.27% एरिया को कवर करता है, अगर आप मीन में प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हो तो वो 95.45% एरिया को कवर करता है, और अगर आप मीन के अंदर जो है वो 3 स्टैंड डेविएशन को प्लस माइनस करते हो तो वो 99.73% एरिया को जो है वो क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन के जो है वो रिलेशन है क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन से। क्वार्टर डेविएशन से जो रिलेशन था वो क्या, क्वार्टर डेविएशन जो है वो 2/3 होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, और जो मीन डेविएशन होता है वो 4/5 होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर आप मीन में प्लस माइनस क्वार्टर डेविएशन करोगे तो वो जो है वो क्या निकलेगा, 50% ऑब्जर्वेशन को कवर करेगा। अगर आप मीन में प्लस माइनस एवरेज डेविएशन करोगे तो वो 57.51% एरिया को कवर करता है, और अगर आप मीन के अंदर स्टैंड डेविएशन को एडलेस करते हो तो वो 68.27% एरिया को जो वो क्या करता है, कवर करता है। रेशियो जो है क्वार्टाइल डेविएशन का, मीन डेविएशन और स्टैंड डेविएशन का रेशियो जो है वो क्या होता है, 10:12:15। मेरी डिमेट एक बार देख लेना। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस अभी तक हमने किया वो एक एब्सोल्यूट मेजर था, अगर इसका रिलेटिव मेजर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। सीवी का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकला उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे, एक्स बार से, बोलो तो मीन से, तो निकल आएगा आपका सीवी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद लोरेंज कर्व, लोरेंज कर्व भी एक मेजर है जिसके थ्रू आप जो है ग्राफिकली डिस्पर्सन को कंप्यूट कर सकते हो। इसको ये जो मेथड है वो दिया था मैक्स लोरेंज ने, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी निकालने में बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। अब इसके लिए हम लोग जो वो क्या करेंगे, इस तरीके से प्लॉट करते हैं, एक लाइन हम जो है वो ओरिजिन से खींचेंगे, उसको होगा उसका नाम होगा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर आप कर्व बनाओगे, ठीक है। जो कर्व इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर होगा उतना ही इनइक्वालिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो कर्व इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नजदीक होगा उतना ही जो है इनइक्वालिटी है या डिस्पर्सन जो है वो क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। तो ये भी एक तरीका है लोरेंज कर्व, ये भी एक मेथड जिसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वेरिएशन को जो है वो कंसिडर करने का काम करते हैं, ठीक है। लो जी, ये हो गया चैप्टर नंबर 3।
अब आते हैं चैप्टर नंबर फोर पे। चैप्टर नंबर फोर की अगर बात करते हैं तो चैप्टर नंबर फोर था अपना मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टसिस का। देखो स्क्यूनेस एंड कर्टसिस की अगर हम बात करते हैं तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो है वो क्या देखा, पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर सेकंड में तो हमने सबसे पहले देखा था सेंट्रल वैल्यू निकालना। चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर हम लोगों ने जो देखा डिस्पर्सन को कैसे मेजर करते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि दो इक्वल दो सीरीज है, उनका मेन भी सेम है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है, तो भी उनके अंदर फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो वो फर्क अगर कंप्यूट करना है उसको हम निकालते हैं विद हेल्प ऑफ द, एक मिनट रुकिएगा, वो जो आप फर्क निकालते हैं वो निकालते हैं विद हेल्प ऑफ द स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। तो स्क्यूनेस है वो किसको किसके बारे में बात करता है, स्क्यूनेस हमेशा बात करेगा असिमिट्री के बारे में। अगर सिमिट्री है ना तो वहां पे स्क्यूनेस है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो स्क्यूनेस बेसिकली बताएगा डिग्री ऑफ असिमिट्री और डिपार्चर फ्रॉम द सिमिट्री। ठीक है, स्क्यूनेस व्हेन ए सीरीज इज नॉट सिमिट्रिक, अगर कोई सीरीज जो है वो सिमिट्रिकल नहीं है तो हम बोल देंगे कि वो क्या असिमिट्रिकल है या फिर वो क्या स्क्यूड है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके है, एक है सिमिट्रिकल एक है असिमिट्रिकल। सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है या उसको सिमिट्रिकल कर्व भी बोलते हैं, जहां पर स्क्यूनेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। द वैल्यू जो है मीन मिडियन मोड का वो क्या होता है, कोइंसाइड होता है। मतलब सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मोड होगा। ठीक है, और जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे ये तीनों वैल्यू जो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। अब स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है ना, जो असिमेट्रिकल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्यूड। अब ये दो तरीके का होगा, या तो ये होगा पॉजिटिव स्क्यूड या फिर क्या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव स्क्यूड कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका मीन इज ग्रेटर देन मोड होता है और मीडियन कहीं ना कहीं इनके बीच में जो वो क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपका लॉन्ग टेल है ना वो आपका राइट साइड पे जो है वो क्या करेगा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है। इसके बाद अगर बात नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का, तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो क्या रहेगा आपका, यहां पे वैल्यू ऑफ मोड जो है वो सबसे क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन होता है, तो यहां पे जो आपका जो रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में वो क्या रहेगा, मीन इज लेस देन मीडियन और मीडियन इज लेस देन मोड, ये रहेगा आपका। और यहां पे जो आपका जो लॉन्गर टेल है वो आपका लेफ्ट साइड पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है जी, डिफरेंस क्या है डिस्पर्सन स्क्यूनेस में, एक बार थोड़ा सा देख लेना, बेसिक बेसिक्स है। अब टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, जब अगर आपने स्क्यूनेस को टेस्ट करना है तो अलग अलग तरीके हैं आप स्क्यूनेस को टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला एवरेज से कैसे कर सकते हो, अगर मीन मीडियन मोड तीनों बराबर है तो इसका मतलब वहां पर स्क्यूनेस बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर स्क्यूनेस है वो क्या एब्सेंट है। और अगर मीन इज मीडियन और मोड ये तीनों अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वहां पर स्क्यूनेस प्रेजेंट होगा। आगे डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल फ्रॉम द मीडियन, अगर Q3 माइनस एम इज इक्वल टू माइनस Q1, ये इक्वल है दोनों। ठीक है, मतलब Q3 माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस में Q1, अगर ये दोनों जो है वो क्या बराबर है तो वहां पर जो है वो आपका स्क्यूनेस क्या होगा एब्सेंट। लेकिन अगर कभी ऐसा है कि Q3 माइनस एम इज नॉट इक्वल टू M minus में Q1, तो वहां पे स्क्यूनेस आपको देखने को मिलेगा। फिर ग्राफ ऑफ द डेटा, अगर मान लो आप जो है वो डेटा को ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करोगे तो अगर वो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो फिर वहां पे स्क्यूनेस है वो क्या एब्सेंट है। लेकिन अगर बेल शेप नहीं बनता तो वहां पे स्क्यूनेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए आपके पास में जो है वो स्क्यूनेस जो है पहली बात तो क्या मेजर करते हैं, तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस हेल्प करता है डायरेक्शन निकालने में और एक्सटेंट ऑफ असिमेट्री निकालने में कि असिमेट्री कितनी है। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड है स्क्यूनेस निकालने के, तो बेसिकली स्क्यूनेस निकालने के लिए हम चार मेथड को जो यूज करते हैं, कार्ल पियर्सन मेथड है, बाउले मेथड है, कैली है और मेथड ऑफ मूवमेंट्स है। तो कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर स्क्यूनेस है वो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मीन माइनस में मोड, और कोफिशिएंट अगर निकालना तो क्या मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, अगला अच्छा ये बात ध्यान रखना प्रॉपर्टी जो है इसकी क्या, जो कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू जो आपका स्क्यूनेस निकल के आएगा उसकी वैल्यू जो है वो प्लस और प्लस वन और माइनस वन के बीच में जो है वो क्या करेगी, लाई करेगी। और अगर आपका मोड इल डिफाइन है तो जो कोफिशिएंट स्क्यूनेस है वो प्लस माइनस थ्री के बीच में उसकी वैल्यू जो है वो क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है जी, इसके बाद अगला जो मेथड है वो है बाउले मेथड। बाउले मेथड जो है वो बाउले मेथड के जरिए हम स्क्यूनेस को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीडियन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल। फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल प्लस में फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस में टू मीडियन। ठीक है, और अगर स्क्यूनेस निकालना हो तो फिर क्या रहेगा, थर्ड क्वार्टाइल प्लस में फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस में टू मीडियन अपॉन में क्यू थ्री माइनस में क्यू वन। ठीक है, इसके बाद में कैली मेथड के थ्रू अगर आप जो है वो क्या करते हो, कैली मेथड के थ्रू अगर आपने स्क्यूनेस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, तो वो कैली मेथड के अंदर हम लोग जो परसेंटाइल और डिसाइल को यूज करके जो है स्क्यूनेस निकालते हैं और हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, P90 प्लस P10 माइनस में 2 मीडियन। ठीक है, और यहां पे 2m, m का मतलब जो है वो 50th परसेंटाइल को जो है वो डिनोट कर रहा है यहां पे। ठीक है ना, और अगर आपको जो कोफिशिएंट निकालना हो तो फिर क्या करना है, P90 प्लस में P10 माइनस में 2m अपॉन में P90 माइनस में
P10, ठीक है। और अगर यही अगर आपने जो है वो निकालना है, स्क्यूनेस निकालना है बेस्ड ऑन द डिसाइल के बेस पर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, D9 प्लस में D1 माइनस में 2m, और कोफिशिएंट निकालना हो तो वही D9 प्लस में D1 माइनस में 2m अपॉन में D9 माइनस में D1, ठीक है। फिर अगर आपको मेजर करना है स्क्यूनेस बेस ऑन द मेथड ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के बेस पर, तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर अपॉन में सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का क्यूब, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर अपॉन में सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का क्यूब। फिर आएगा कर्टसिस, कर्टसिस की अगर बात करते हैं तो कर्टसिस जो है वो बताएगा किसके बारे में, बल्किनेस को जो है वो बताता है कि आप ये मतलब फ्लैटनेस या पीकनेस बताएगा आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, ठीक है ना। तो कर्टसिस जो है वो क्या है, कर्टसिस जो है वो डिग्री है किसका, पीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजली टेकन रिलेटिव टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कर्टसिस की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो कर्टसिस जो है वो तीन तरीके का होगा, एक होगा लेप्टो, एक है प्लेटी और एक कौन सा मीजो। लेप्टोकर्टिक जो है वो क्या होगा, लेप्टोकर्टिक वो है जिसमें हाई पीक होगी, जिसमें क्या होगा हाई पीक होगा नॉर्मल कर्व से, जो नॉर्मल कर्व से ऊंचा है वो है आपका लेप्टोकर्टिक, जो नॉर्मल कर्व से नीचे है वो है आपका प्लेटिकर्टिक, और जो नॉर्मल कर्व के बराबर है वो है आपका मीसोकर्टिक। ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद में डिफरेंस क्या स्क्यूनेस एंड कर्टसिस में, तो स्क्यूनेस जो है वो बताएगा डायरेक्शन एंड एक्सटेंट के बारे में, जबकि जो कर्टसिस है वो हमको बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना पीक है या कितना फ्लैट है, ठीक है। फिर स्क्यूनेस जो है उसको मेजर करते हैं भाई β1, ठीक है, और β1 कोफिशियंट, जबकि कर्टसिस को मेजर करते हैं β2 कोफिशियंट से, ठीक है जी। मेजर कैसे करेंगे कर्टसिस, कर्टसिस को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कर्टसिस का फॉर्मूला जो रहेगा मतलब β2 से इसको जो है वो डिनोट करते हैं, और कर्टसिस को निकालेंगे फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट अपॉन में सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर, ठीक है जी। इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे करेंगे, अगर β2 इज ग्रेटर देन 3 है तो कर्व जो है इज मोर पीक देन द नॉर्मल कर्व होगा, अगर β2 जो है वो लेस देन 3 है तो कर्व जो है वो नॉर्मल कर्व से नीचा होगा, और β2 जो है वो 3 के अगर इक्वल है तो कर्व आपका मॉडरेट पीक होगा, इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होगा। अल्टरनेट मेथड ये थोड़ा देख लेना। इसके बाद मूवमेंट्स की अगर बात करें तो मूवमेंट जो है मूवमेंट भी बहुत असेंशियल है मेजर करने के लिए किसको, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस को, इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये उसकी यूटिलिटी है। फर्स्ट मूवमेंट जो है वो बताता है किसके बारे में, मीन के बारे में, सेकंड मूवमेंट के थ्रू हम लोग जो निकालते हैं वेरियंस को, थर्ड मूवमेंट सेकंड और थर्ड मूवमेंट के बेस पर हम लोग जो निकालते हैं स्क्यूनेस को, और सेकंड और फोर्थ मूवमेंट के बेस पर हम लोग जो निकालते हैं किसको, कर्टसिस को। ओके जी सर, चलो ये हो गया चैप्टर नंबर 4, अब आएंगे चैप्टर नंबर 5, हमारा ऑलरेडी हो चुका है कोरिलेशन का, अब पहले रिग्रेशन पढ़ते हैं। रिग्रेशन की अगर बात करें देखो अभी तक क्या था, आफ्टर हैविंग एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट द टू वेरिएबल, जब एक बार आपने कोरिलेशन में ये मेजर कर लिया कि दो वेरिएबल एक दूसरे से जो है वो क्लोजली के रिलेटेड है, तो अब हम जो है वो क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, प्रिडिक्शन लगाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके बेस पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग एक स्टैटिस्टिकल टूल को हम यूज करते हैं, इस बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल टूल को हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन। क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। और जो लाइन रिग्रेशन को जो है शो करते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। इसको प्रिडिक्टिंग लाइन या फिर इसको हम क्या, प्रिडिक्टिंग लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, ठीक है जी। अब रिग्रेशन जो है वो क्या, रिग्रेशन मेजर है किसका, एवरेज रिलेशनशिप निकालने का, ठीक है। अब रिग्रेशन के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, और इसके बेस पर हम लोग जो वो एस्टिमेट करते हैं अननोन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, और इसको डिनोट करते हैं वाई से, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू अपने को नोन होती है, ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं किससे, एक्स से, ठीक है जी। यूज क्या रिग्रेशन एनालिसिस का, सबसे पहला बोलता है रिग्रेशन एनालिसिस जब हम करते हैं थ्रू द रिग्रेशन लाइन, ये फैसिलिटेट करता है टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हम स्टैंडर्ड एरर को भी कंप्यूट करते हैं। दूसरा, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट के माध्यम से हम लोग जो है वो कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। और रिग्रेशन हाईली वैल्यूएबल टूल है किसमें, जब आपको अगर कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है तो वहां पे आप जो है रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस, सबसे पहला व्हाट मेजर, कोरिलेशन मेजर करता है डिग्री एंड द डायरेक्शन, दो वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री और डायरेक्शन को मेजर करता है, जबकि रिग्रेशन जो है वो बताएगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अच्छा, कोरिलेशन जो है वो क्या है, वो रिलेटिव मेजर है, क्योंकि कोरिलेशन जो है एक प्योर वैल्यू निकल के आएगी जो प्लस वन माइनस वन के बीच में लाई करेगी, लेकिन रिग्रेशन जो है वो क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर है। अब वेदर इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल, तो जो कोरिलेशन है वो इंडिपेंड होता है ओरिजिन से भी और स्केल से भी, लेकिन जो आपका रिग्रेशन है वो इंडिपेंड होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन से ना कि स्केल से। स्केल से वो मतलब प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता रिग्रेशन कोफिशिएंट पे, लेकिन अगर आप सीरीज के अंदर जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। फिर
वेदर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, लेकिन रिग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर जो वैल्यू निकलती है वो उसी यूनिट में निकलती है जिस यूनिट के अंदर आपको डेटा अवेलेबल होता है। एक्सप्रेशन की बात करें तो कोरिलेशन जो है वो माइनस वन प्लस वन के बीच में जो लाई करते हैं, जबकि रिग्रेशन जब हम निकालते हैं तो उसकी उसका एक मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। वेदर फोरकास्टिंग टूल, तो कोरिलेशन जो है वो फोरकास्टिंग टूल नहीं है, लेकिन रिग्रेशन आपका फोरकास्टिंग टूल है जिसके बेस पर आप लोग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंड वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फोरकास्ट करने का काम करते हो। फिर नॉनसेंस की अगर बात करें तो बोलते हैं देयर मे बी नॉनसेंस कोरिलेशन बिटवीन वेट ऑफ द गर्ल एंड द इनकम ऑफ द बॉयज, मतलब कोरिलेशन में नॉनसेंस रिलेशन निकल सकता है लेकिन रिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद रिग्रेशन लाइन जो है वो क्या, एक सिंपल लाइन रिग्रेशन मॉडल के अंदर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक आपका जो है वो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन जो है वो दो तरीके की होती है, एक होता है y on x और एक है x on y। y on x जो है वो अपने को क्या बताएगा, वो x के बेस पर y की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, और x on y जो है वो क्या बताएगा, वो y के बेस पर x की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने का काम किया जाएगा। यह बात ध्यान रखना When there is either perfect positive or perfect negative correlation, जब कभी भी perfect positive या perfect negative correlation दो variable के बीच में, तो दोनों जो regression line है वो क्या होगी, coincide होगी, बोल दो एक ही line होगी, ठीक है ना। और जितना दो regression line एक दूसरे से जो है वो क्या है दूर है, उतना ही उन दोनों के बीच में correlation क्या होगा कम होगा, और जितना ये एक दूसरे के नजदीक है उतना correlation जो है वो क्या होगा ज्यादा होगा। अगर वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या जीरो है, तो वहां पर जो आपकी लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन जो है वो दो तरीके से हम लेके आते हैं, एक है एक्स ऑन वाई, एक है वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का मतलब जो है वो क्या है कि एक्स के बेस पर जो है हम वाई की वैल्यू यहां पे क्या करेंगे प्रेडिक्ट करेंगे, और वाई ऑन एक्स का मतलब कि वाई के बेस पर एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे प्रेडिक्ट करेंगे। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई का मतलब जो है वो क्या हो गया, यहां पे हम क्या निकालने वाले हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे किसके बेस पर, y के बेस पर। तो फॉर्मुला जो रहेगा वो क्या रहेगा, x = a + by, तो x है यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल, y है इंडिपेंडेंट, a है x इंटरसेप्ट, और b जो है वो है आपका स्लोप ऑफ द सेड लाइन। ये पूरा आपको मैंने डिटेल करवाया था, एक बार थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है ना। अच्छा, जो पैरामीटर a और b होते हैं ना, ये a जो है वो डिटरमाइन करते हैं किसको, लेवल ऑफ फिटेड लाइन को, और पैरामीटर b जो है डिटरमाइन करते हैं किसको, स्लोप को। स्लोप बेसिकली क्या है, चेंज इन y फॉर यूनिट चेंज इन x, तो x में चेंज होने की वजह से y में जो चेंज आएगा उसको बताएगा कौन, स्लोप बताता है वो। अनदर वे ये है, फॉर्मूला देख लेना एक बार इसका, और y on x जो है वो क्या बताएगा कि y के बेस पर जो है यहां पे x के बेस, y निकालना है किसके बेस पर, x के बेस पर, तो यहां पे हम लोग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा वो क्या रहेगा, x रहेगा। प्रॉपर्टी के लीनियर रिग्रेशन की दो रिग्रेशन इक्वेशन जो है, इसमें दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको जो है वो देखने को मिलेगा, एक होगा रिग्रेशन इक्वेशन y on x और एक होगा x on y। तो y on x का मतलब क्या, y की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे x के बेस पर, और x on y का मतलब क्या, x की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे किसके बेस पर, y के बेस पर। ये इनका फॉर्मूला होता, थोड़ा देख लेना। और अगर बी एक्स और बी वाई एक्स जो है वो दो रिग्रेशन कोफिशियंट आपको जो है वो दे रखे हैं, तो रिग्रेशन कोफिशियंट x on y जो इस तरीके से निकलेगा, तो बी वाई एक्स कैसे निकालते हो, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, और बी बी एक्स वाई अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, अगर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है ना। फिर साइन जो होंगे रिग्रेशन के और कोरिलेशन के जो साइन रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके सेम साइन होते हैं। इंटरसेक्शन एट द मीन, रिग्रेशन लाइन जो है वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी किसको, कहां पे, एट देयर मीन पे। स्लोप जो रहेगा रिग्रेशन लाइन का वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई वो क्या होगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के ऊपर होगा। एंगल जो होगा रिग्रेशन लाइन का वो डिपेंड करेगा किस पे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे। अगर r इज इक्वल टू 0 है तो रिग्रेशन लाइन जो है क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, और अगर r +1 और -1 है तो रिग्रेशन लाइन जो है वो क्या होगी, एक ही होगी, बोल दो कोइंसाइड होगी, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ x और y को हम एस्टिमेट करेंगे फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन अगर r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कंप्यूट इस तरीके से करते हैं, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स अगर आपको निकाल लो तो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है। प्रॉपर्टी क्या रिग्रेशन कोफिशियंट की, देखो रिग्रेशन कोफिशियंट जो है वो आपका प्योर वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। पहला सेम साइन होगा वही कि आपके रिग्रेशन कोफिशियंट जो है उनके क्या होंगे, साइन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दूसरा, बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, अगर आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों को अगर आप जोड़ दो तो वो एक से ज्यादा नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजन, जो आपका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों के दोनों जो है वो ओरिजन से इंडिपेंडेंट होंगे। अर्थमेटिक मीन जो होगा ना, मतलब बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स इनका डिवाइड बाय टू अगर मैं कर लूं तो ये अर्थमेटिक मीन है, वो ग्रेटर देन आर होगा। और जो आर जो है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इनटू में बी वाई एक्स। आर, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स सबके जो साइन रहेंगे वो क्या रहेंगे,
सेम रहेंगे। फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है उसको लीस्ट के लाइन भी बोला जाता है। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो क्या बताएगी आपको, द लाइन फिटेड बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसकी एक फीचर होता है, सबसे पहला जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन जो आएगा ना इज लेस आएगा, किसी भी और वैल्यू से आप डेविएशन निकालना उस सबसे जो है वो क्या आएगा, कम आएगा। दूसरा सम जो सम होगा स्क्वायर डेविएशन का वो हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन होगी जो इंटरसेक्ट करेगी एट द मीन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स बार और वाई बार, तो जो स्ट्रेट लाइन होगी एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे कहां पे, मीन पे। और जो लीस्ट स्क्वायर लाइन है वो बेस्ट एस्टिमेट करती है किसको, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को, when the data present a sample from a larger population। लो जी हो गया। 6 के बाद 7 चैप्टर पे आ जाओ, लास्ट चैप्टर आज की वीडियो का। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। पहले बात करें प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो टर्म है ये ओरिजिनेट हुई 17th सेंचुरी में। ओके, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसके जो स्टार्टिंग करने वाले थे जैकब बर्नौली, उसके बाद एब्राहम डी मोवरी, फिर थॉमस बेज हो गया, जोसेफ लैग्रेंज हो गया, ठीक है, इन्होंने इसको जो है वो लेके आए। फिर 19th सेंचुरी के अंदर जो पियर सिमन लैपलेस थे ना, इन्होंने क्या किया, यूनिफाइड किया इन सारी अर्लियर आइडिया को, उनको जो है वो फर्स्ट जनरल थ्योरी प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको एक मेजर बताएगा प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने का, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग जो है वो क्या होता है, मे और मे बी, ठीक है, कि जब आप जो है वो श्योर नहीं होते किसी चीज को लेकर के, कोई भी इवेंट अराइज हो भी सकता और नहीं भी सकता, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को जब आप क्या करते हो, मेजर करते हो, तो जो न्यूमेरिकल मेजर होता है अनसर्टेनिटी को निकालने का, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी को जो हम नापते हैं ना, उसको नापते हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब कभी भी हम कोई भी ट्रायल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेरिमेंट। तो व्हेन वी कंडक्टेड ट्रायल टू ऑब्टेन सम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर आपने कोई सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला इज नोन एज अ एक्सपेरिमेंट। फिर आएगा इवेंट, जो भी पॉसिबल आउटकम होते हैं एक्सपेरिमेंट के, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इवेंट। सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो जो है वो क्या हो गए, इवेंट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का एक एक्सपेरिमेंट से जो टोटल आउटकम आएंगे उनका जो टोटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है जी। इक्वली लाइकली का मतलब जो है वो क्या होता है, The chances are said to be equal likely if the chance of happening of each event is equal or same। अगर सभी इवेंट के अराइज होने के चांसेस जो वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, अगर ए आएगा तो बी नहीं आएगा, और बी आएगा तो ए नहीं आएगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक सिलेक्ट दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर सिक्के को चला और हेड आ गया तो टेल अपने आप ही नहीं आएगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों होते हैं। तो ए, अगर मान लो दो इवेंट है ए और बी, ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। अगर ए और बी दोनों के दोनों जो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो दोनों इवेंट को हम क्या बोल देंगे, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल देंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट जो क्या होंगे, सिंपल इवेंट के अंदर हम कंसिडर करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द सिंपल इवेंट, और कंपाउंड मूवमेंट के कंपाउंड जो इवेंट होता है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, हम देखते हैं दो या दो से ज्यादा इवेंट के जॉइंट अकरेंस के चांसेस को यहां पे कंप्यूट करने का काम करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जब एक इवेंट राइज हो रहा है उसके बाद दूसरे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब टू दो इवेंट को इंडिपेंडेंट का बोलेंगे। अगर अकरेंस होता वन डज नॉट अफेक्ट द या फिर नॉट अफेक्टेड द अकरेंस ऑफ अनदर, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट क्या, जब एक इवेंट का अराइज होना या उसका अराइज ना होना वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहां पर किया था कि अगर मान लो आपने 52 पत्तों में से जो है वो एक राजा मतलब एक किंग को जो है वो क्या कर लिया, निकाल लिया, तो पत्ते कितने रहेंगे, 51। तो अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 3/51 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपेंडेंट इवेंट। इसके बाद डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन जो है वो तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम प्रायोरी अप्रोच जो है वो भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये सबसे ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड है। इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एम अपॉन में एन, एम का मतलब है टोटल नंबर फेवरेबल केसेस और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। और अगर नॉन अकरेंस निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ए बार जो है वो कैसे निकलेगा, वन माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, इस तरीके से निकालते हैं। और पी और पी प्लस के जो है किसके बराबर रहेंगे, वन के। फिर ये लिमिटेशन थी, थोड़ा देख लेना एक बार के लिए। एम्पीरिकल या रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, ये जो डेफिनेशन है इसमें प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे किसके बेस पर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट ये पास एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालने का काम करते हैं। इससे पहले वाला जो मेथड था उसके अंदर तो हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के जो है वो प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट किया। लेकिन जो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि प्रोबेबिलिटी को कभी भी आप जो मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू नहीं करोगे, आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ऑन द बेस ऑफ द पास एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिमिट आर अपॉन में एन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो n हो जाएगा इंडिपेंडेंट ट्रायल,
ये रहा, और आर जो है वो क्या, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट। तो आर अपॉन एन बोलते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, ठीक है। अब जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरिटिकल जो थ्योरिटिशियन से वो एग्री हुए दैट द ओनली वैलिड प्रोसीजर जो है ना डिटरमाइन करने के लिए प्रोबेबिलिटी का, वो है क्या, रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को क्या करोगे, रिपीट करोगे, उतना ही प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका 0.5 के बराबर हो जाएगा। ये इन्होंने बोला था, सिंस द प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की वो डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिवली बाय रिपीटेटिव एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्जेक्टिव और द एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो अप्रोच है वो एम्फेसिस करते प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व ए लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। इसके जो सब्जेक्टिव अप्रोच है या पर्सनलिस्टिक अप्रोच है, इसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑन द बेस ऑफ जो जितने हमारे पास में एविडेंस अवेलेबल होते हैं। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोबेबिलिटी टू एन इवेंट इज असाइन बाय एन इंडिविजुअल ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस अवेलेबल टू हिम। यहां पे प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करेंगे एज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ और कॉन्फिडेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ बिलीफ फॉर इट्स पॉसिबल अक्रेंस, जो सब्जेक्टिविस्ट है वो असाइन करेगा वेट 0 और 1। 0 कब होगा, मतलब आप 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी कब दोगे, जब कोई इवेंट हमें हम श्योर है कि ये तो अराइज होगा होगा, और 0 कब देंगे, जब अपने हम श्योर है कि ये इवेंट तो कभी अराइज नहीं हो सकता, तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 रहेगा। और एक होती है एक्सिमेटिक अप्रोच। एक्सिमेटिक अप्रोच जो क्या बोलती है, ये बोलती है कि मैथमेटिकल मॉडल आर नथिंग बट ये क्या एब्सेक्शन है किसका, रियलिटी का। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम यूज करते हैं किसके, किस में, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं थ्योरी ऑफ गेम में। प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो है कई सारे हमारे जो टेस्ट हैं, जेट टेस्ट हो गया, टी हो गया, एफ टेस्ट हो गया, यहाँ पे भी ये सब टेस्ट जो है ये बेस है किस पे, प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो है वो क्या, बैकबोन है। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी का स्केल, प्रोबेबिलिटी का स्केल जो है 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। 0 कब आएगा, जब कोई चांस इवेंट कभी भी अराइज हो ही नहीं सकता, तो वो 0, वहां पर प्रोबेबिलिटी उसकी क्या रहेगी, 0। और जब कोई इवेंट जो है वो डेफिनेट है कि ये तो होगा ही होगा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, बोलते हैं m अपॉन n करके, ठीक है। अब यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, हम जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्मुला जो रहेगा वो क्या रहेगा, एनसीआर इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया था, एक बार देख लेना। इसके बाद में थ्योरम की अगर बात करें प्रोबेबिलिटी के थ्योरम की, तो तीन तरह के थ्योरम थी, एक था एडिटिव, एक था मल्टीप्लिकेटिव और एक था कौन सा, बेस थ्योरम। सबसे पहले कौन सी, एडिटिव थ्योरम। एडिटिव थ्योरम को दो पार्ट में पढ़ेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इसके अंदर फॉर्मुला जो रहेगा वो क्या रहेगा, कि प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी का फॉर्मुला जो रहेगा वो क्या, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है जी। और अगर दो इवेंट जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोलते वो जॉइंट इवेंट है, तो वहां पे एडिटिव लॉ जो है वो लगे, एडिटिव लॉ जो है उसको इस तरीके से लगाएंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अपना जो है फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो वो क्या बोलती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अकरेंस, कि जब जॉइंट अकरेंस होता है ए का A event and the B event is equal to the conditional probability of A and B time the probability of B, तो वहां पे लगेगा multiplication theorem। अब ये भी दो तरीके से, या तो event independent है या event जो है वो क्या dependent है। अगर independent event है तो formula जो रहेगा probability A B का वो क्या, probability A into में probability B। और अगर मान लीजिए वो आपका dependent event है तो formula क्या रहेगा, अगर probability A upon B into में probability B, या probability A upon B into में probability A, ये आपका जो formula होने वाला है। इसके बाद है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रायर कोई प्रोबेबिलिटी होती है प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर, फिर कोई नया आपको एविडेंस मिलेगा उसके बेस पर आप जो वो क्या नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो अब आप क्या करोगे, जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर जो वो क्या करोगे, रिवाइज करोगे, रिवाइज प्रोबेबिलिटी होगा और फिर एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेस थ्योरम। 1763 में सबसे पहले जो है थॉमस बेस ने इस थ्योरम को जो वो क्या किया था, यूज किया था। तो बेस थ्योरम का ये इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान रखना। A1 और A2 जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, एंड B एन इवेंट विच कैन अकर इन कॉम्बिनेशन विद A1 एंड A2, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगी ना उसको इस तरीके से हम निकालेंगे। ये इसका फॉर्मूला रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये याद करके जाना, ओके। तो ये आपकी जो है वो तीन थ्योरम है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और बेस, ये तीनों हमने कर लिया, ठीक है। चलो एक बार के लिए यू करो, ये 5 चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लो, ठीक है। सारे के सारे एक साथ करना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसके बाद में फिर एक बार 5 कर लेना, 5 को रिवाइज कर लो, नेक्स्ट वीडियो और लगा लेना, फिर बाकी के जो चैप्टर है वो उसमें रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना जी सर। लो जी 5 चैप्टर हमारे रिवाइज हो चुके हैं, इनको निपटा लीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग जो है वो जून 2024 में जो एंटीनेट का एग्जाम होना, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच जो है स्टार्ट है, तो अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ओके जी सर। चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।